अस्सलाम वालेकुम, बर्फी हेयर ऑल द वे फ्रॉम एथोई बैक विद अनदर पबजी मोबाइल वीडियो। तो वही उम्मीद है कि सब फिटफाट हो गए। आज की वीडियो जो है काफी मजे की होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको मिथिक फोर्ज के जो मिथिक आउटफिट्स आ रहे हैं ना भाई, वो दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से मिथिक आउटफिट इस दफा हमें जो है ना मिथिक फोर्ज के अंदर देखने को मिलेंगे, कुल मिला के कितने मिथिक होने वाले हैं, इसके अलावा क्या इन मिथिक्स के अंदर इमोट्स होंगे या नहीं, ये सारा कुछ आज इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, आपको पता चल जाएगा। इसीलिए कोई भी पार्ट वीडियो का मिस मत करना। और आजकल आपको पता है कि वीडियो हमारी 1 से 2 दिन बाद आ रही होती है, क्योंकि मामला आपको पता है पेपर्स नजदीक है। खैर ये सब कुछ छोड़ते हैं, वीडियो को शुरू करने से पहले यार मेरा एक रिक्वेस्ट है दिल की अथाह गहराइयों से, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो जो भी बंदा न्यू है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इस तरह की खजल खराबियां करते रहते हैं। हाँ यार, तो चलो आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमारे पास जो अभी के लिए मिथिक फोर चल रहा है ना, उसके अंदर बिल्कुल ही बेकार तरीन आउटफिट्स ऐड किए हुए थे, जो कि हमारे पास एक दफा जो है ना वो सुपर कार के अंदर आए थे, और वो हैं ये वाले। सबसे पहले एक ये था स्टार गार्डियन सेट ये, और उसके बाद यहाँ पे वाइपर एशियन सेट था, और साथ ही इसके एक ये वाला स्पेस मास्कट सेट था। अब ये तीनों मिथिक्स आए थे, साथ इसके कुछ हेडगेयर्स भी थे, लेकिन ये फजूल तरीन है भाई, मैंने तो इसमें से एक भी नहीं निकाला, क्योंकि इनके अंदर इमोट ही नहीं थे, ठीक है। और वैसे भी इस तरह के आउटफिट पहनने को भी इतना दिल नहीं करता, हालांकि कोई और किस्म के होंगे ना, जैसे कि ग्लेशियर सेट या फिर किलिंग मशीन सेट, इस टाइप के जो है ना वो पहन भी लेता है बंदा, लेकिन इस तरह के आउटफिट ना बिल्कुल बेकार है, इन पे यूसी बर्बाद ही बंदा कर सकता है। तो भाई मेरा ये मशवरा है कि आप भी मत निकालना अगर अभी तक ये नहीं निकाले तो। बाकी इनको रखते हैं एक साइड में। अब आपको मैं दिखाता हूँ न्यू आउटफिट्स जो के इस दफा न्यू मिथिक फोर्ज के अंदर आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक ये वाला आउटफिट रहने वाला है। अब इसके अंदर हमें जो है ना इमोट नहीं देखने को मिलेगा, एक इसका हेडगियर है, हेडगियर इसका लेजेंडरी होगा, मेन जो आउटफिट है वो मिथिक रहने वाला। और आप मुझे ये जरूर से बताना कि ये पहले हमारे पास गेम के अंदर आ चुका है या नहीं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि ये फर्स्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले ये नहीं आया। बाकी जो आउटफिट है ना वो ओल्ड है, लेकिन इसका नाम भी आप विजनरी क्लेयरवोयंट इस टाइप का इसका नाम है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहला आउटफिट ये है, इसके अंदर किसी किस्म का इमोट नहीं है, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, बाकी जो आउटफिट्स है ना उनके अंदर हैं, तो भाई वो मेरे विशलिस्ट में ऐड पड़े हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। सबसे पहले ये हेडगियर है, और साथ इसका आउटफिट है द सेवन सीज सेट। तो भाई आप सबको पता होगा बहुत ही ओल्ड और द ओजी जो है ना ये आउटफिट है, और काफी देर पहले ये जो है ना गेम के अंदर आया था। हमारे पास ये क्लासिक के अंदर भी एक दो दफा रिपीट हो चुका है, ये कुछ दिन पहले भी आया हुआ था, और यहाँ पे जो है ना अब फाइनली ये लंडे बाजार में आ रहा है, मिथिक फोर्ज के अंदर आ रहा है। तो इसके अंदर इमोट है, वो भी आप अच्छे से चेकआउट कर लो, इमोट भी काफी मजे का है, और उन लोगों के साथ तो मोए मोए हो गया ना भाई जिन्होंने क्लासिक के अंदर से इसको निकाला था यूसी लगा के, लेकिन फाइनली अब ये यहाँ पे लंडे बाजार में आ गया, तो हर कोई निकाल लेगा, बताना अगर आप निकालो। सेकेंड यहाँ पे हमारे पास ये है ब्लैक टोर्टाइज डिफेंडर सेट। तो भाई ये भी काफी ज्यादा ओल्ड सेट है, और इसके अंदर भी इमोट है। सिर्फ ये जो दो आउटफिट है ना, ये कह लो कि इनके अंदर इमोट्स हैं, और एक का हेडगियर जो है वो मिथिक रहेगा, और बाकी जो दो सेट हैं उनके लेजेंडरी रहेगा। अब ये जो सेट है ना, इसका ये सेट मिथिक है, और इसका हेडगियर जो है ना वो लेजेंडरी रहेगा, और इसके अंदर ये वाला इमोट है, आप अच्छे से चेकआउट कर लो। इसके अंदर एक ये करेक्टर फेस भी है, लेकिन ये तभी शो होगा जब आप जो है ना ये सूट पहनोगे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हेडगियर पहन लो या कुछ भी, इस टाइप का सीन नहीं है। तो भाई इसके अंदर जो है ना एक अलग से ही करेक्टर आपको देखने को मिलेगा। बाकी कुल मिला के ये चार मिथिक्स आ रहे हैं, जिसके अंदर से एक हेडगियर मिथिक है, और बाकी जो तीन आउटफिट्स है ना वो मिथिक है, और जो दो बाकी हेडगियर्स हैं वो हैं दोनों लेजेंडरी। और जो है ना इसकी एक आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ, ये पिक्चर भी आप यहाँ पे चेकआउट कर लो, कुछ इस टाइप का आपको ये देखने को मिल जाएगा बैनर इसका, लेकिन ये बिल्कुल कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है, हमें यही मिथिक फोर्ज देखने को मिलेगा। बाकी जो गन्स की प्रेडिक्शन लगाई थी, अभी और कुछ दिन तक देखते हैं, अगर उसके रिलेटेड कुछ भी कन्फर्म होता है तो वो भी मैं अपने चैनल पर यहाँ पे शेयर कर दूंगा। बाकी व्हाट्सएप चैनल को भी जाके ज्वाइन जरूर से कर लेना, वहां पे भी मैं लीक्स वगैरह अपलोड करता रहता होता हूं। आज के लिए यार रखते हैं इतना ही वीडियो को, अब जाते जाते आपने जस्ट एक चीज करनी है भाई, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड अगर ओल्ड हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर देना। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं वीडियो को, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखो, है तक ओके, फिर अल्लाह दे हो वाले।